good morning, awesome audience from Dallas, Texas. Yesterday we were talking about carpooling, or we also discussed park and ride. Us concept pe discuss kiya tha. Yani jo central idea leke aaye the wo yahi baat ki thi na ke less cars, less vehicles, few vehicles on the road, and it's good for society, it's good for maishat, economically it's good, and also it's good for the environment, for the planet. अच्छा आज मैं इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँ एंड विल बी डिस्कसिंग टू टेस्ट जो यहाँ पर मैंडेटरी हैं. वो टेस्ट आपको पास नहीं करने हैं, बट योर कार हैज़ टू पास इफ द कार वॉन्ट्स टू बी ऑन द रोड. देखिए अभी मैं पिछले आई थिंक जून 2018, दो महीने पहले आई वॉज इन कैनेडा, मैं इधर पैसिफिक वाली साइड गया था, वैनकूवर वाली साइड. पर मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि जैसे चाइना हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है ना, लेकिन चाइना एक चीज़ उनसे इम्पोर्ट भी कर रहा है. और वो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो वैनकूवर कनाडा की जो हवा है, यानी आप सोचिए कितनी वो क्लीन, कितनी फ्रेश होगी वो हवा, कि दे आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग देयर एयर टू चाइना. यानी वो कैंस वगैरह में वो उनका जो प्रोसीजर है कि इतनी साफ सुथरी हवा, ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो हवा एक्सपोर्ट हो रही है चाइना. हाँ, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको चाइनीज़ जो है. यही हाल अगर आप यहाँ पर यूएस का इधर वाशिंगटन साइड देखें, इवन टेक्सास भी. तो लेकिन टैक्सेस यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो एमिशन, जो CO2 एमिशन है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो है ये व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स. कि ये जितना ही जो एमिशन आ रहा है, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप कम गाड़ियाँ जो है रोड पर लेके आए. इवन अगर मैं अभी यहाँ की स्पेशली टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए देर आर टू टेस्ट विच आर मैंडेटरी टेस्ट, यानी बाय लॉ है जो आपकी गाड़ी ने पास करने हैं एवरी ईयर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी रोड पर रहे. अच्छा, वो दो टेस्ट. अब सवाल ये कि वो टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, तो वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो इनके अप्रूव्ड इंस्पेक्टर्स हैं. वो शॉप्स होती हैं, वो इट कुड बी अ टायर शॉप, मोटर मैकेनिक शॉप, लेकिन वो इट्स अ प्रोडक्ट, वो एक सर्विस ऑफर करते हैं, लेकिन उसके लिए वो अप्रूव्ड इंस्पेक्टर्स का होना ज़रूरी है. तो दो टेस्ट हैं जो हर साल हर गाड़ी को लाजिम वो पास करने. वन इज, अच्छा उसकी पेमेंट भी होती है, एंड देन दे सेंड यू, इफ द कार इज क्लियर, दे सेंड यू अ स्टिकर. वो आप स्टिकर इधर लगाते हैं, जैसे मेरी गाड़ी पे अभी लगा हुआ है टिल March 2019, कि भाई 2019 तक ये गाड़ी अप्रूव्ड है. 2019 के बाद अगेन, तो March 2019 के बाद अगेन आई हैव टू क्लियर, माय कार हैज टू क्लियर दीज टू टेस्ट. वो टेस्ट कौन से हैं? एक है सेफ्टी टेस्ट और सेकेंड है एमिशन टेस्ट. अच्छा, सेफ्टी टेस्ट क्या है भाई? मैंने कहा अभी उसकी पेमेंट भी आपको करनी पड़ती है, $25-$30 आपको साल में देने पड़ते हैं, और फिर वो टेस्ट आपको फिर क्लियर करना है उस गाड़ी ने टेस्ट. अच्छा, वो सेफ्टी टेस्ट क्या है, जिसमें दे चेक योर कार ब्रेक्स, आपके वाइपर्स, आपके टायर्स हैं, और आपका हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न कैसा है, यानी गाड़ी की ओवरऑल चेकिंग होती है कि भाई गाड़ी जो है ना परफेक्ट है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. ब्रेक लगा के देखेंगे, एक्सीलेटर कैसा है, सारी चीज़ें, गाड़ी के शीशे ज़्यादा टेंट तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे. अच्छा, दूसरा जो टेस्ट है दैट्स कॉल्ड द दैट्स द एमिशन टेस्ट. उसमें भी गाड़ी की परफेक्शनस चेक करते हैं. वो कैसे? वो चेक ये करते हैं कि भाई गाड़ी कितनी परफेक्ट है और कितनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी कितना वो CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये कितना रिलीज कर रही है, वो चेक करते हैं. ये दोनों टेस्ट में आपको क्लियर होना है, सेफ्टी टेस्ट एंड द एमिशन टेस्ट. अच्छा, कुछ एग्जेम्पशन भी है, जैसे अब जो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, ज़ाहिर है उसमें तो कोई एमिशन है ही नहीं, तो दैट कार इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एमिशन टेस्ट, बट स्टिल इट हैज टू क्लियर द सेफ्टी टेस्ट. सेफ्टी टेस्ट सब पे मैंडेटरी है, लेकिन एमिशन टेस्ट में एग्जेम्पशन ये आ गई, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स है, क्योंकि उसमें ना ऑयल है, ना ये गैस डलती है, कुछ भी नहीं है. तो खैर ये अच्छा है और हर साल ये टेस्ट होना भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एक्सीडेंट रेट्स, उन सब पे हम बात करेंगे. वो हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में विल बी डिस्कसिंग एक्सीडेंट्स, और हम उसको कंपेयर करेंगे विद जर्मन्स, सही है ना, और यहाँ पर स्पेशली टेक्सास का देखेंगे कि एक्सीडेंट रेट्स वगैरह क्या है. अपना ख्याल रखें, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड यू हैव अ वेरी ऑसम डे.